इस वीडियो में हम लोग अमेज़ॉन वेब सर्विसेज कहाँ से शुरू हुआ और इस वक्त वो कितने प्रोडक्ट्स ऑफर करता है और उसकी जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज़रा सी नज़र डाल के देखेंगे। तो 2006 में अमेज़ॉन जो कि ई कॉमर्स कंपनी थी, उन्होंने अमेज़ॉन वेब सर्विसेज एज पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग को लॉन्च किया। इस वक्त 2020 में तकरीबन 14 साल बाद एक काफ़ी मेच्योर सर्विस बन चुका है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, और इसके इस वक्त तकरीबन 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो एक काफ़ी मेच्योर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है, बहुत बड़ी मार्केट स्पेस है इसकी, बहुत बड़ी कस्टमर बेस है, और क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में इस तरह के बहुत हर तरह की सर्विसेज ऑफर करने वाले क्लाउड को ऑल थिंग्स फॉर एवरीवन भी कहा जाता है, कि यानी कि हर तरह की प्रोडक्ट है डिफरेंट तरह की मार्केट सेगमेंट्स के लिए। तो अगर इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जो लोग अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की स्किल्स डेवलप करते हैं उन लोगों के लिए अर्निंग पोटेंशियल या इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी सोर्सेज से आ सकते हैं। तो अगर हम लोग एक नज़र डालें अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के करंट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। रीजन्स का मतलब ये कि एक फिजिकल लोकेशन जिसको अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर्स के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। तो इस वक्त करंटली अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के ग्लोबली 24 रीजन्स हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, कुछ मुल्कों में एक से ज़्यादा रीजन्स हैं, कुछ मुल्कों में एक रीजन है, और इन 24 रीजन्स में 77 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, 77 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स क्या हैं इनको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तकरीबन 77 डेटा सेंटर्स हैं जो कि दुनिया के अराउंड स्प्रेड कर दिए गए हैं जिसके ऊपर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे चलिए चलें और देखें कि ये रीजन्स कहाँ हैं और इनका ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर AWS का कैसे चलता है, तो मैं आपको एक वेबसाइट की तरफ लिए चलता हूँ। तो अगर आप अपने ब्राउज़र में जाएं और लिखें इंफ्रास्ट्रक्चर .AWS, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। तो मैं इसको ग्लोब की बजाय एक फ्लैट मैप के तौर पर प्रेजेंट करूँगा, मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आप इस एरिया को देखें तो इसमें हमारे पास AWS के जो 24 रीजन्स हैं उनकी निशानदेही की गई है। आपके पास केप टाउन साउथ अफ्रीका में है, बहरीन में है, मुंबई में है, सिंगापुर में है, इंडोनेशिया में है, US के अंदर मल्टीपल रीजन्स हैं, इसी तरह लंदन में है, स्पेन में है। तो पूरी दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक तरीके से इन रीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब एक रीजन क्या है बेसिकली, अगर हम लोग एक रीजन के ऊपर क्लिक करें तो ये एक फिजिकल एरिया डिफाइन किया गया है जो कि जिसके अंदर कम से कम दो या दो से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। अब अवेलेबिलिटी जोन्स क्या हैं? अवेलेबिलिटी जोन्स बेसिकली डेटा सेंटर्स हैं जो कि किसी एक रीजन के अंदर कायम किए गए हैं। एक डेटा सेंटर जो है वो एक सर्टेन कैपेसिटी, सर्टेन टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफर करने के लिए डेवलप किया जाता है। तो अगर एक से ज़्यादा डेटा सेंटर होगा तो आपके पास एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स होंगे। अब जिस तरह साओ पालो है तो इसके अंदर तीन अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, मतलब कि तीन फिजिकल डेटा सेंटर्स जो एक दूसरे से एक मखसूस डिस्टेंस के ऊपर कायम किए गए हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है? जब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हम लोग हाई अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब जो चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर चल रही हैं वो बहुत स्टेबल हैं, रिलायबल हैं। तो उस रिलायबिलिटी को कायम रखने के लिए जब किसी एक रीजन के अंदर कोई एप्लीकेशन या कोई आईटी से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबल किया जाता है तो हम लोग उसके मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स को यूज़ करके हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक फिज़िकल डेटा सेंटर पूरे का पूरा किसी वजह से डाउन भी हो जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, तो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन उसकी जगह पे वो एप्लीकेशन सर्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें अगर मैं एक और एस्पेक्ट के ऊपर नज़र डालूं तो वो है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस वो एरियाज़ हैं जिनकी तादाद एक्चुअली आपके रीजन की अवेलेबिलिटी जोन से ज़्यादा है। ये वो जगह हैं जहाँ पे एक रिलेटिवली स्केल डाउन वर्जन ऑफ अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है। ये इनको एज लोकेशंस भी कहते हैं। इनकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है क्योंकि हमारी जो बहुत सारी मॉडर्न डे वेब एप्लीकेशंस हैं
उनको ग्लोबली सर्व, ग्लोबल कस्टमर बेस को सर्व करना पड़ता है। उस ग्लोबल कस्टमर बेस को सर्व करने के लिए ये मुमकिन नहीं है कि हर जगह पे डेटा सेंटर अवेलेबल हो, तो एज लोकेशंस अवेलेबल कर दी जाती हैं जहाँ पे कुछ लोकल डेटा कैशे करके रख दिया जाता है, और वहाँ के कस्टमर्स को इस तरह से लेटेंसी कम फील होती है और उनको एक अच्छी सर्विस अवेलेबल हो जाती है। अगर मैं आखिर में नज़र दोहराऊँ नेटवर्क के ऊपर क्विकली, तो नेटवर्क आपको ये जो सारी डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी जोन्स के दरमियान में आपको जाती हुई नज़र आ रही हैं, और इनके अंदर आपको ट्रैफिक फ्लो सिमुलेट भी करके दिखाई जा रही है, तो ये वो हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस हैं जो कि मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी जोन्स और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के दरमियान, मुख्तलिफ रीजन्स और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के दरमियान बिछाए गए हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स भी आपस में फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड होते हैं, मुख्तलिफ रीजन्स भी आपस में फाइबर ऑप्टिक से कनेक्टेड होते हैं, और अगर आप देखें तो ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स अंडर द ओशंस, अंडर द सीज भी बिछा के और ओवर द लैंड भी बिछा के मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी जोन्स को, रीजन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है इनसे। ये ऑब्वियसली बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि AWS जैसी सर्विसेज जब अपने इस बैकबोन नेटवर्क को यूटिलाइज़ करती हैं तो कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विस मिलती है। और आगे जाके हम लोग एक चीज़, हम लोग ये चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंटरनेट को यूज़ किए बगैर, इस इंटरनल नेटवर्क को यूज़ करते हुए हम लोग कस्टमर के प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले ये रिकमेंड करूँगा, और ये सॉर्ट ऑफ एक एज एन एक्सरसाइज आप लोगों की तरफ इस चीज़ को एक्सटेंड करूँगा कि आप लोग इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। जब आप किसी भी कंपोनेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शंस आती हैं, इन डिस्क्रिप्शंस को ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी एक बेसिक नॉलेज डेवलप हो कि ये रीजन्स हैं क्या, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या हैं, पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस क्या हैं, नेटवर्क कैसा है, डिफरेंट टाइप का हार्डवेयर जो वहाँ पे इन इस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट रीजन्स या अवेलेबिलिटी जोन्स में अवेलेबल है वो कौन सा है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्लोबल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि जब आप AWS के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आप मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी जोन्स, उनकी डिफरेंट प्राइसिंग, उनकी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, उनकी प्रॉक्सिमिटी टू एंड कस्टमर, यूज़र की एप्लीकेशन, उसका एक्चुअल मकसद क्या है, इन सारी चीज़ों के साथ अवेलेबिलिटी जोन्स और डिफरेंट रीजन्स का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। तो इस वेबसाइट को ज़रूर एक्सप्लोर करें, और इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग AWS के कंसोल से को देखेंगे और थोड़ा हैंड्स ऑन होना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग जो कंसोल के अंदर डीप डाइव करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हाईलाइट करके मैं दिखाऊंगा जो कि आगे जाके आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी और एक्चुअली सर्विसेज को यूज़ करने में भी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।